अब नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 8.7, जिसमें हम पढ़ेंगे वेडल रूल। इसमें हमें एन की वैल्यू 6 रख के देखेंगे। पुटिंग एन इज इक्वल टू 6 इन, जो ये हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है इसी में रखेंगे। नंबर टू में तो वी हैव, हमारे पास क्या आएगा, आई की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रल एक्स नोट टू एक्स 6 लिखेंगे, और यहाँ पर ये एफ एक्स डी एक्स, और वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर एनिज 6 लिखेंगे तो ये 6 वाई नोट प्लस में, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 की पावर 2 36 बटे 2 18 आएगा। डेल्टा वाई 0, यहाँ पर 6 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 27। डेल्टा स्केयर वाई 0 प्लस, नेक्स्ट यहाँ पर एन की वैल्यू 6 रखेंगे और 6 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 24। डेल्टा क्यूब वाई 0 प्लस, इसमें हम एन की वैल्यू 6 रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 123 बटे 10 डेल्टा रेस टू पावर 4 वाई 0। इसमें हम एन की वैल्यू 6 रखेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 5 फैक्टोरियल से तो हमारे पास बनेगा ये 33 बटे में 10 और डेल्टा रेस टू पावर 5 वाई 0। इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास बनेगा 41 बाई 140 डेल्टा रेस टू पावर 6 वाई 0। इसके बाद हमारे पास और कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ये एक्स 0 टू एक्स 6 है तो ये 7 हो गए, तो 7 थोड़े तो डिफरेंसेस होंगे वो आपके पास 0 आ जाएंगे, तो यहीं तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम देखें तो यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 140 है, अगर ये 14 ना हो तो कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो देखिए 14 ये 42, अगर इसको 42 हम समझ लें तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख लेते हैं, नाउ रिप्लेसिंग 41 बाई 140, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं बाई 42 बाई 140। इससे क्या बनेगा, हमारे पास ये 14 से कैंसिल, ये 3 बटे 10 आ जाएगा, तो यानी 10 एम एल एस एम ले पाएंगे बड़ी आसानी से। तो वी हैव इंटीग्रल एक्स नोट टू एक्स 6 और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच ये 6 वाई 0 प्लस में 18 डेल्टा वाई 0 प्लस में 27 डेल्टा स्केयर वाई 0 प्लस 24 डेल्टा क्यूब वाई 0 प्लस 123 बाई 10 डेल्टा रेस टू पावर 4 वाई 0 प्लस 33 बाई 10 डेल्टा रेस टू पावर 5 0 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 बाई 10 तो 3 बाई 10 डेल्टा रेस टू पावर 6 वाई 0। अब इसमें देखिए ऊपर से 3 और कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 बाई और नीचे से 10 एलसीएम ले लिया हमने ये एच, और इसमें जो डेल्टा वाई नोट है इनको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी वाई 0 प्लस में 5 वाई 1 प्लस में वाई 2 प्लस में 6 वाई 3 प्लस में वाई 4 प्लस में 5 वाई 5 और प्लस में वाई 6। तो एक सिमेट्री सी बन जाती है हमारे पास इस फॉर्मूले में। तो ये एक्स नोट टू एक्स 6 तक की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम क्या लेंगे एक्स 6 टू एक्स 12। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रल एक्स 6 टू एक्स 12 और एफ एक्स डी एक्स, तो उसको लिखेंगे हम 3 बाई 10 एच, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इसमें 6 ऐड हो जाएगा, 6 प्लस 5 वाई 7 प्लस वाई 8 प्लस 6 वाई 9 प्लस में वाई 10 और प्लस में 5 वाई 11 और प्लस में वाई 12, ऐसे बन जाएगा एंड सो ऑन। अब इन सबको ऐड करते हैं, एडिंग द अबो इंटीग्रल्स वी हैव तो क्या बनेगा इंटीग्रल,
एक्स नॉट टू एक्स एन तक, यहाँ पर मान के चलेंगे जो n है वो 6 का मल्टीपल है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो 3/10h तो हमारे पास कॉमन है, क्या बच गया देखिए y नॉट, फिर ये 5y1, फिर ये y2, फिर 6y3 प्लस में y4 प्लस में 5y5। देखिए y6 दो बार है तो क्या लिखेंगे 2y6, उसके बाद फिर से 5y7, फिर आ गया y8, फिर 6y9, ये इस तरह चलता रहेगा। तो हमने याद कैसे करना है, एक तो 3/10 याद रखना है, फिर देखिए यहाँ पे 1 फिर 5 फिर 1 फिर 6 फिर 1 फिर 5 फिर 2 फिर 2 आएगा, क्योंकि 6 है तो 6 वाले में 2 आएगा, फिर 12 वाले में 2 आएगा, फिर आगे फिर वही 5 1 6 एंड सो ऑन, तो इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी में एरर है, मीन्स वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है, तो अगर हमें एरर देखना है कि एरर कितना है तो वो क्या होगा, एक्चुअल जो इंटीग्रल होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसमें से हम क्या कर रहे हैं इस फंक्शन को पॉलिनोमियल मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल वाली जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स, यानी जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पॉलिनोमियल मान के चलते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर कहेंगे।